जालिम के जो जुर्म करती है उसके खिलाफ लड़ना है, उसके खिलाफ बोलना है, निकलना है। जब हम जालिम जुल्म करेगी और हम मजलूम खुद को समझ कर घरों में बैठ जाएंगे तो ये जो है जालिम को मजीद अपने जुल्म को जारी रखने की बढ़ावा देगी। इस वजह से हम बलूचिस्तान के वो लोग हैं कि हमें जो है अपने लोरियों में भी बगावत करना सिखाते हैं, मुजाहमत करना सिखाते हैं, अपने हक के लिए लड़ना सिखाते हैं, अपने हक के लिए मरना सिखाते हैं। तो हम वो लोग हैं जिनके घरों से सालों साल लोगों को लापता किया जाता है, उनके घर वालों को कोई नहीं पता कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तो इस हालत में एक बेटी के लिए या एक बीवी के लिए, एक बहन, एक माँ के लिए और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो सड़कों पर आए और एहतजाज करें। और जहाँ तक इंसाफ की बात है, हमने अपने तमाम कानूनी और आईनी जो है तरीक़ेकार आजमाए हैं। हमने इन 14-15 सालों में वो तमाम तरीका आजमाया है। ये जितने भी यहाँ पर लवाइकीन हैं, तमाम वो अदालती तरीका का आजमाया है जहाँ पर हमें इंसाफ मिल सकती है। लेकिन रियासत इंसाफ देगी या नहीं देगी, हम इस बिना पर सड़कों पर नहीं आते। हम सिर्फ इस बिना पर सड़कों पर आते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और हम इस नाइंसाफी के खिलाफ बोलेंगे, हम इस नाइंसाफी के खिलाफ बगावत करेंगे, हम इस नाइंसाफी के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। और यही वजह है कि हमें हर बार मायूसी के बाद उम्मीद देती है। यही वजह है कि हमें हर बार जो है, हम जब अपने इलाकों में अपने घरों में जाते हैं तो हमें वापस सड़कों पर लाती है। यही वो उम्मीद है और यही वो तरबियत है। शुक्रिया।